हेलो। हाँ हाँ नमस्कार सर, पुनीत भाई, नमस्कार। क्या हाल है? हम्म, बस बढ़िया है। आंगल नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी नया साल मुबारक हो। बहुत दिन हो गए, हमें कहा बातचीत नहीं। देखे हम्म, क्या चल रहे हैं। अभी पेपर बस। पढ़ रहे थे, हमारे अखिलेश बाबू जो है कह रहे भाजपा वाला जो कोरोना टीका हम नहीं लगवाएंगे, हमका तुम ना लगवाओ। अरे भाई, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ कर आए हैं, खुद बनाएंगे। हाँ, सीरियस पढ़ के आए, खुद बनाएंगे हाँ वही बात है और भाई, खुद अब बड़े बन। बड़े बड़े लोग हैं ना ये लोग। ये बड़े बड़े लोग नहीं भाई, इनको हम पहले बता दे रहे, ये इतने बड़े वाले लोग हैं कि घर के अंदर इंजेक्शन लगवा लेंगे, अपना भी लगवाएंगे, अपने बेटा बच्चा महतारी सबका ठुकवा दे हैं, पप्पा ठुकवा दे हैं, बाहर आ जाएंगे हमने नहीं लगवाया। ये वो सही है, बात ये सबसे ज्यादा डरपोक लोग हैं भाई। है, ये लोग ऐसे हैं कि सिर्फ जो है भड़काने का काम करेंगे दूसरों को। वही तो भाई, आप देखिए ना, कल इनके बयान से आज जो है छोटे से कुकुर मुट्टे, जिनकी कुछ भी औकात नहीं है, वो भी बयान दे रहे हैं, वो भी बयानबाजी करने लगे हैं। राशिद अलवी, राशिद भाई यही तो राजनीति है। अलवी काम कर रहा था तो बयान सुन रहा था कि पा जो है विपत्तिहीन सरकार, मतलब विपत्ति को हीन करना चाहती है। उनके लिए तो बड़ा आसान है, उनके लिए तो बड़ा आसान है, आराम से कहीं वो लगवा दीजिए, क्या नाम है टीका, तो बस नहीं हम लोग बताइए, यह सोच लेके बैठे हुए हैं। यही राजनीति है भाई, जनता को जो है बेवकूफ बनाओ, राज करो। ये तो भाई वही है, राज वही कर पाए, लेकिन भाई कहना नहीं चाहिए, वाकई इंडियन पब्लिक बहुत बेवकूफ है, बहुत बेवकूफ है। यहाँ तो हम लोग कोई जनता दूसरे को भी मिलते हैं ना, हम लोग जनता कल भी बेवकूफ थी, आज बेवकूफ है, कल भी बेवकूफ रहेगी। क्योंकि जब तक लोग जो है शिक्षित नहीं होंगे, पूर्णतः शिक्षित में मतलब लोग सिर्फ जो है अक्षर ज्ञान को ले रहे हैं। आज की डेट में 80% लोग जो पीएचडी धारक हैं, बीटेक हैं, एमबीए हैं, मास्टर डिग्री रखे हैं, उनको अगर आप सामने रख लीजिए ना और फिर राजनीतिक बातें कर लीजिए, उनकी समझ देख लीजिए, 80% लोग डिग्री लिए हैं, समझ बिल्कुल नहीं है। अब आपको मैं बता दूं, मैं अपने घर के क्या बोलते हैं चौराहे पर जब जाता हूँ तो बड़े बड़े भाजपा नेताओं के साथ ऐसे लोग फोटो लगवा करके नए वर्ष की शुभकामनाएं दे रहे हैं, जिनका बैकग्राउंड अगर हम बता दें तो बता देंगे कि इनका ये जो नारा कद्दू में कब डाल के पहनना शुरू किया, तो ये कर इतने छोटे छोटे उम्र के लोग जो कि किसी भी लायक नहीं है, नेता बने जा रहे हैं, और हम लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं तो ठीक है, क्योंकि हम लोग ठीक है ना, तो हम लोग खुद नहीं आना चाह रहे चीजें आगे, इसलिए ये सब चीजें ऐसी फैली पड़ी। और दूसरी बात, अगर हम आ भी जाएंगे तो हम लोग को उस तरह के लोग नहीं मिले जैसा हम लोग चाहते हैं। नेताओं के पास क्या लखेरे चाहिए, तो लखेरे ही उनके क्या नाम है तो सब काम आते हैं भाई, पढ़ा लिखा आदमी थोड़ी जिंदाबाद करेगा। वही बात। अब आप उदाहरण स्वरूप देख लीजिए कि एक तरफ टेट, एक तरफ नॉन टेट में वो किसको जो चुनते हैं, अखिलेश यादव। वो जो अरे जितना बात करे वो उसी आज भी शिक्षा में जो पेटिया है उसको तो ये अकल नहीं है कि क्या बोलते हैं तो क्या उसको क्या बोलते हैं, अरे तरह। जो आज ये बर्बाद हुए हैं मित्र, है तो देन इन्हीं की, इन्हीं अरे के तो देन थी। शिक्षा मित्र को बर्बाद करने वाले अखिलेश यादव। लेकिन आप जब कह दीजिए एक बार किसी शिक्षा मित्र से, फिर देखिए भले वो चूहा होगा लेकिन आप दहाड़ेगा शेर की तरह। औकात कुछ नहीं, बुद्धि कुछ नहीं, पता कुछ नहीं, लेकिन बस भैया अखिलेश भैया उनको मत बोलो कुछ। हद यार, आज जिंदगी बर्बाद कर डाला जिस इंसान ने, तुम उसी का जो आज हमने देखो। इन सबको बर्बाद कर दिया, हम लोगों ने बताइए क्या मांगा था, यही तो मांगा था कि इनके साथ हम लोग को भी समायोजित कर दीजिए, आप भी जिंदा रहिए, हम भी जिंदा रहे, सब अरे जिंदा हो जाते। कॉमन सी बात थी कि 2,92,000 लोग टेट पास थे, जिसमें से कार्य शिक्षक वगैरह को निकाल देने पर लगभग 2 लाख टीईटी पास बीएड वाले थे, और हाँ आराम ₹72,000 से ये लोग थे, यानी टोटल मिला करके 4 लाख के आसपास हो रहे थे। और उस वक्त बताइए। इन्होंने अगर टोटल काउंट किया जाए, 1,72,000 समायोजन किया, 72,000 की 2011 भर्ती, 72,000 की 2012 भर्ती जोड़ दिया जाए, सब जी कुछ लगभग लगभग सीट उतनी हो जा रही है, उसके बावजूद
इतना सब के बावजूद कोर्ट में इन्होंने हलफनामा दिया था कि 4 लाख पद और हैं, ठीक है। तो टोटल पद तो इतने थे, ये चाहे होते तो बीएड को भी दिए होते, उधर शिक्षा मित्र को दिए होते, आने वाले बीटीसी सबको बाल होते, देते, सबको बाल देते। हाँ सबका लाभ हो गया होता, काम हो गया होता, आरटीए लागू था, करना था ही। सही है। हाँ लेकिन केंद्र तो तैयार था इनको टूल देने को, लेकिन ये आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे, तो उसका खामियाजा भुगत रहे हैं कि इनके अगेंस्ट जो है हर कोई है। बस यही है कि थोड़ा सा अभी जो होने जा रहा है आगे, हाँ शिक्षा मित्र को जहाँ ये समायोजन कर दिए, अब तो प्री प्राइमरी में जाना तय है, क्लास 1-2 के वो अस्थायी शिक्षक हो जाएंगे, उनकी सैलरी वही 37-34 हज़ार रुपये उनको मिलेगी शिक्षा मित्र को। और क्या, वो तो 33,000 रुपये आगे खड़े हो गए। अब जैसे ही उनका हो जाएगा ये अप्रैल के आसपास, तो फिर वो अखिलेश यादव को थोड़ा याद रखेंगे, वो तो भूल जाएंगे उनको, अब जो करेंगे याद अरे रखेंगे। हाँ बिल्कुल सही और है। हाँ आगे नई शिक्षा नीति के द्वारा जो है बीएड वालों को करने ही जा रहे हैं, बीटीसी करने ही जा रहे हैं, इस साल सब मिला के अप्रैल मई जून जुलाई जाते जाते सब हो जाएगा, फिर देखिएगा ये अपनी राजनीति ऐसे ही जो है हम जो है नहीं लगवाएंगे टीका, ये वो करते रह जाएंगे, कुछ हासिल नहीं होगा इनको, लल्लू बन के रह जाएंगे, लल्लू थे लल्लू हैं लल्लू रह जाएंगे, वो लल्लू के पप्पू के दोस्त हैं तो लल्लू रहेंगे। सही बात है, पप्पू दोस्त सही है, पले वाले पप्पू दोस्त सही है। क्या बताया जाए, सही पप्पू भी जो बात। चला आता अभी है उधर से, कोई अमेरिकन अरे इटली वाली कोई लाएगा फिर से। वो उसी ने जाता ही है पप्पू। देखो पप्पू के मतलब पार्टी का वो था स्थापना दिवस, पप्पू इटली में था, नानी को देखने गया था। हम लोग बहुत मौज दोषी, लेते हैं ट्विटर अरे भैया वहाँ बाल बच्चा परिवार सब है उसका। वो सब अरे कुछ हाँ है। ये हाँ समय आने पर खाली खोलेगा, खाली ये लिव इन रिलेशनशिप यहाँ की के औलादे लोग, हैं हमारी। हाँ खाली यहाँ के लिए लोगों के लिए जो है पप्पू अभी जो है कुंवारा है, यहाँ के लोगों के लिए युवा है, युवा युवा। 50-70 साल का युवा साला है। तो भाई ये युवा है ना, हम लोग क्या हो गए, बुढ़वा। हम लोग बुढ़वा हो गए, ये हमेशा हम बुढ़वा रहेंगे, ये है ना। सबसे क्या है थी? चलिए ठीक है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, क्या कहा जाएगा। हाँ लेकिन ये है कि अभी भी मोदी लहर है केंद्र में, तो कोई हिला नहीं रहा। रही आपकी जो बंगाल। केंद्र में तो कोई हिला नहीं सकता है, और कोई नेशनल लेवल की पार्टी बची नहीं है, और राज्यों की जहाँ तक बात की जाए तो जिस हिसाब से योगी सरकार, अब देखिए एमपी सरकार जो कि इसके पहले 2 कार्यकाल में वो शांत रहते थे, अभी वो भी दहाड़ रहे हैं। तो दहा रही है अभी। हाँ अभी दस आप को 20 से देखिए, काट देंगे, तो यही हालत सभी राज्यों में जितने भी जो है, हाँ अन्य पार्टियां हैं। अभी आपने शायद आसाम में देखा, आसाम में मदरसे ही उड़ गए, मदरसे ही खत्म कर दिए जा रहे हैं, भाई हम तो नॉर्थ ईस्ट, मदरसा को हम ही तो खत्म नॉर्थ कर ईस्ट पूरा दिए। रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट पूरा घूमे हैं, और नॉर्थ ईस्ट का तो कंडीशन हम देखे हैं कि पहले क्या था, और फिर जब सेंट्रल में बीजेपी है उसके बाद कितने बदलाव होने शुरू हुए, हम तो वहां रह करके देखे हैं ना, हम जी जान जी रहे अच्छे से वहां का, जी और टच में भी लोग हैं, बराबर बात होती रहती है, लोगों के विचार भी मिलते रहते हैं, सुनते रहते हैं, जानते रहते हैं, देखते हैं क्या बात है, है। तो सब उखड़ जाएंगे ऐसे ही। सही बात है। मैं तो सब मोदी की जो नीति है वो क्या है, घसीटो वाली नीति, घसीटो रहो। अभी आप उससे देखो क्या था ना कि नहीं, सबने सबने एक काम किया, फूट डालो राज करो, हिंदुओं को इन्होंने अब देखिए के पहले सबने लड़ा के रखा अच्छा था। ये बताइए, ये किसान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है, इसमें क्या है, इसमें क्या घसीटे तो है। हाँ सरकार वार्ता के चरण, सातवां चरण, आठवां चरण, उसके नवा दसवां चरण करते जाएंगे। लेकिन इनकी जो असली रणनीति है, जैसे उधर इन लोगों ने शाहीन बाग 15 अगस्त के टाइम में इन्होंने किया था, है ना, कि कोई विदेशी मेहमान आएगा उसके सामने तांडव करेंगे। और इधर जो है शायद 26 जनवरी को सुनने में आ रहा है कि बवाल काटेंगे 26 जनवरी को। काट लें कुछ नहीं कर पाएंगे। 26 जनवरी को ये जो बैरी कहते हैं ना, ये लोग क्या करें, ट्रैक्टरों से उखाड़ दे रहे हैं। ट्रैक्टरों की टक्कर मतलब आगे वो क्या लगाते हैं, लोहा लगा करके काट देंगे, उससे उखाड़ रहे हैं, है ना। यही है। अरे कल बड़ा बवाल काटे इनका, यार भी कह रही इनको सड़ा सड़ा के मारे। अब देखिए हमको तो ये लगता है सारे पूरे भारत में
केवल पंजाब हरियाणा के ही किसान होते हैं, बाकी कोई किसान होते ही नहीं। आसाम किसान है ही नहीं, केरल किसान है ही नहीं, यूपी किसान है ही नहीं। इसी बात है कि उसमें स्पष्ट है कि बिचौलिए जो हैं जो लाभ कमा रहे थे वो मर गए, उनका हाल बुरा हो गया, तो उन्हीं का भड़काया हुआ सब कुछ है। और समझिए, और सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ मालूम है? जो कैबिनेट में थी कौन? सुखविंदर सिंह बादल की बीवी हरदीप कौर। सुखविंदर सिंह बादल का ही सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि ये जो एग्रो करके आती थी उसके ये वो थे, हेड थे। ये 50-55 करोड़ का नुकसान हुआ है उनका, इसकी वजह से वो हटी है, और कोई बात थोड़ी है। बस ये था कि कांग्रेस में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता था, ये उन्हीं चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हैं? तो अब उनको बुरा लग रहा है, इम्प्लीमेंट ही बुरा लग रहा है ना। सही कह रहे ना? बिल्कुल। बस देखिए, आप अगर गौर से फरमाएंगे तो अभी भी हम लोग का ऐसी आदि है जिसमें ये एमएसपी का बड़ा समर्थन करते थे कौन? कपिल सिब्बल। फिर किसान बिल की बगल करते थे कौन? राहुल गांधी। अब आप देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद कुछ नहीं। इसके बाद वही है आपका, क्या बोलते हैं, आज तुम विपक्ष में बैठे हो, पक्ष में बैठे हैं, वही तुम्हारी चीज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, खुद मतलब मुझे कबूल करते हैं। मतलब इन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में जो शामिल किया था अन्य पार्टियों ने, बीजेपी भी कर रही है, वो सब कर रही है, तो भी ये लोग विरोध कर रहे हैं, तभी विरोध कर रहे हैं। मतलब इन्हीं की चीज जब वो, हाँ बताइए, हेलो, हाँ कह रहे हैं बस राजनीति हो रही है कि नहीं विरोध करना है। हाँ तो राजनीति का बस वही है कि हम विरोध करें, तो भाई विरोध करो, तुम अपने विरोध करके भी राजनीति कह रहा है भाई कि हम जिंदा हैं, कि हम बोल सकते हैं, यही यही तो सीमित रहेगा तुम, है ना। और सब बढ़िया आनंद में? हाँ सब बढ़िया है, आज संडे है, संडे है तभी हल्दी थोड़ा बैठे थे फ्री। बहुत हो गए मुलाकात, बातचीत नहीं, बाकी से सब जानकारी आपकी व्हाट्सएप पे आया करती है, तो उसके उसके पर्पज से कुछ पूछना चाहते ना हल्दी नहीं किसी से। सब तो फेसबुक पर डाली दे रहे हैं, यूट्यूब पर सब डाली दे रहे हैं, बचता कुछ नहीं। बस गाली देने वालों काम है गाली देना। हाँ तो हम हर जगह डाल ही दे रहे हैं सब कुछ, और लोगों को जानकारी मिली जा रही है, समझने वाले समझ रहे हैं, बेवकूफ है उनको नहीं समझ में आएगा। हमने आपसे कहा नहीं था उस दिन कि अब वेट उसका लिए हो रहा है जो आपने बताया था वैलिडिटी बढ़ाने के लिए? देखिए अभी वैलिडिटी भी बढ़ जाएगी, लाइफ टाइम हो जाएगा, जो बचे पद हैं 72,000 2011 वाले और 12,460 के जो बचे पद हैं, 68,000 में हो सकता है जो बच्चे पद हैं, ये सारे पद जोड़ के नई भर्ती में गवर्नमेंट डाल देगी, क्योंकि पुराने वाले का सबका क्लियर करेगी उधर, इन पदों की कोई जरूरत रह नहीं जाएगी, तो गवर्नमेंट इनके बच्चे पद, गवर्नमेंट के 51,000 पद हैं, 22,000-68,000 के करीब, 8,000 पद हैं 12,460 बीटीसी वाले के, और 6,000 पद हैं 72,000 वाले के, वो पद 22,000-8,000-30,000 और उधर 36,000 ये संभवतः हो सकता है नई भर्ती जो 51,000 ये कह रहे हैं, 51,000 में ये भी 36,000 ऐड करके करीब 75,000 के आसपास पद लाएंगे, और 75,000 की चर्चा भी चल रही है, 75-76,000 की भर्ती आएगी नई, पुराना वाला तो भी होना है, सबका हो जाना है। अच्छा, ये फसली उन्हीं लोग के लिए होगी ये नई भर्ती, तो जो आगे वाले हैं उनके लिए होगी ये, जो 75,000 बता रहे हैं इसमें कौन, ये जो जो ये लोग शामिल थे वो लोग रहेंगे कि मतलब नए लोग जाएंगे? जो नई भर्ती आएगी उसमें हर कोई आवेदन कर सकेगा, जिसकी इच्छा हो वो करे, ठीक है, वो आगे अपना फाइट करेगा और भविष्य में वो अपना फाइट करके लेगा। 2011 से 2017 तक का पहले चरण में कर देंगे, इसके बाद 2018 का मैटर थोड़ा पेंडिंग चल ही रहा है, और अभी आगे और पेंडिंग हो जाएगा, 18 वाला आगे बाद में क्लियर कर देंगे, तो बहुत सारे लोग 18 वाले इसमें हो जाएंगे, सबके लिए उन्होंने प्लान बना रखा आगे पीछे, शिक्षा मित्रों का पहले ही बना रखा है, आंगनबाड़ियों का बना ही रखा है सबका, तो बस देखते रहिए, कुछ ही महीने हैं, जहाँ अप्रैल आया ना ये बजट पास हुआ फरवरी वाला, फरवरी के बजट के बाद सब सारी चीजें शुरू हो जाएंगी, और ये लाइफ टाइम जहाँ हुआ उसके बाद सब धीरे धीरे होने लगेगा।
चलो ठीक है, हमारे भी कुछ मार्कशीटों में नाम कहीं गड़बड़ी है पिताजी के नाम में कोई कहीं कहीं कहीं। कोई गड़बड़ी हो, शांति से हर कोई अपना बैठा रहे, सबका रास्ता है, फ्री भी लगता है, सब हो जाता है। नहीं, जैसे वो मार्कशीटों में जो नामों में गड़बड़ी है पिताजी के, उसको कुछ नहीं सही करना है, कराना। कुछ नहीं करना है, बस एकदम शांत बैठे रहिए, अच्छा, एकदम समझ शांत गया। बैठे रहिए। सारी गड़बड़ियाँ सब जो है कोई दिक्कत नहीं है, आप ओरिजिनल हैं, आपने डिग्री ओरिजिनल है, डुप्लीकेट कुछ नहीं है, फर्जी कुछ नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं नहीं, है। नहीं हो सकता, जैसे मान लीजिए जब ले आप लेकर जाइए वहां पे नहीं बैठे हुए डायरेक्ट बैठे नहीं हो होगा बाबू। भाई, हम तो बराबर हर भर्ती पर नजर रखते हैं ना, देख रहे हैं कि किसमें क्या किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है, तो एकदम निश्चिंत रहिए, हर चीज का रास्ता है, एफिडेविट ले लेते हैं बस, और कुछ नहीं। चलिए टेंशन फ्री रहेगा। भाग दौड़ करेंगे, कोई कुछ हासिल नहीं होगा, नहीं, भाग दौड़ की एफिडेविट ले बात कुछ लेंगे, और अगर मान लीजिए उनको अच्छा लगेगा कि नहीं इसको सुधार करना ही पड़ेगा तो वो समय देते हैं, अच्छा तो तो समय फिर हो जाएगा। मिलेगा, आराम से हो जाएगा, कोई नहीं, जल्दबाजी नहीं। एक्चुअली में वो हमारे जो बहन के ये वो यहाँ पे ज्वेलरी कॉलेज के अध्यक्ष रहते, तो हमने दिया था इसे भैया जी आप देखिए। अरे कहें भैया तुम परेशान हो, जब तुमको परेशानी कोई बात हो हमको याद कर लेना, तो कान पर काम सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस ये है कि जी प्रधानाचार्य बोल के क्लास फेलो रहे और काम आसानी से हो जाए। इसका मतलब बना दिया हमने सिस्टम, सब सेट कर रखा है वेट एंड वॉच, बाकी थोड़ा सा 4 पैसे का जुगाड़ और बन गया है, कुछ लगाएंगे पहले और कुछ नहीं, ये चलिए समय सर जी, कमा रहे हैं। ओके सर जी फिर बाद में बात होगी, अभी कहीं फोन कर सर, रखते हैं, ओके हाँ ओके सुबह का ओके, टाइम है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक, नमस्कार। नमस्कार सर।